ये तो जब भी स्टार्ट करा था ये सुना जाएगा तुमसे काम में विद्युत रसायन चैप्टर एनसीईआरटी के लिहाज से देखोगे ना, एनसीईआरटी की बुक के लिहाज से देखोगे, एनसीईआरटी के लिहाज से देखोगे, पता कौन सा चैप्टर हो? थर्ड। कौन सा? तो जो विद्युत रसायन है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 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 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक, विद्युत रसायन कल बताया था मैंने, कहा बेटे इस चैप्टर को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट एक तरफ हम साइड में लगा, यहां तो सुन लेना, एक तरफ हम साइड में पढ़ेंगे विद्युत अपघटनीय चालन, विद्युत अपघटनीय चालन, दूसरी तरफ हम साइड में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पूरा चैप्टर दो भागों में बटा हुआ, नंबर एक तरफ तो विद्युत अपघटनीय चालन, दूसरी तरफ तो डायग्राम बनवाया था मैंने, कल बनवाया था, नहीं बनवाया था, इसमें कहा गया था कि इधर तो हम पढ़ेंगे साइड में विद्युत अपघटनीय चालन और दूसरी तरफ साइड में पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल, और ये विद्युत विद्युत संबंधित केमिस्ट्री के अंदर पदार्थ में जो भी काम होंगे सब इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, वही विद्युत रसायन आया समझ में। उसके बाद हमने कहा था इसी अभी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना इसे नहीं छेड़ रहे, ये चैप्टर का दूसरा भाग होगा, ये चैप्टर का कौन सा भाग होगा? दूसरा। न्यूमेरिकल पोर्शन है वो पूरा का पूरा, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, यहां तो सुनते रहना। उसके बाद हमने कल बताया था कि जो विद्युत अपघटनीय चालन हो चालक हो वो कितने प्रकार के हो, नंबर एक, नंबर दो चालक, चालक उन्हें कहते हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, वे सभी पदार्थ जिनके अंदर धारा प्रवाहित हो सकती है चालक कहलाते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। ये तो बताया जाएगा एक जितनी भी धातु है ना सारी सारी चालक का काम करती है, एक कुछ छोड़कर नाम मरकरी, पारा उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक, उसके बाद साइड में बताया था धातु किसे कहते हैं, वो अचालक किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर भी कहते हैं। लिखवाया था जो कहा गया था कि बताओ वो सभी धातुओं में धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, सभी धातुओं में धारा प्रवाहित नहीं होती, सारी सारी कुचालक होती है, अचालक होती है, लेकिन एक को छोड़कर ग्रेफाइट को छोड़कर। बताया गया था कल ये भी बताया गया था कि बेटे हमें अचालक नहीं पढ़ना, हम पढ़ना चालक। देखा गया चालक ना उसके भी दो प्रकार हो, एक तो विद्युत एक तो धात्विक चालक हो, एक विद्युत अपघटनीय चालक हो, उसके अंदर भी हमने तीन अंतर लिखे, वो पेपर में आते तीन अंतर लिखे वो कि धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक मंत्र बताओ। धात्विक चालक का दूसरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक चालक, इनके अंदर जो धारा प्रवाहित हो ना वो इलेक्ट्रॉनों के कारण हो, और जो विद्युत अपघटनीय चालक हो ना उनके जो धारा प्रवाहित हो वो पता किसके कारण हो, आयनों के कारण। कल की क्लास में पढ़ाया गया था, मैंने कहा था कि विद्युत धात्विक चालक पता किसे कहते हैं, वे सभी चालक जिनके अंदर धातु धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता तो धात्विक चालक कहलाते हैं। एक छड़ का उदाहरण दिया गया था कल, दिया था नहीं दिया था? अच्छा, और साइड में ये भी बताया गया था कि जो विद्युत अपघट्य चालक हो ना जब तुम इनके अंदर धारा प्रवाहित करोगे तो कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन होगा, एक विलयन का उदाहरण दिया था, बताया था नहीं बताया था? ये तो बताया था, और बताया गया था इनका बेटे दूसरा नाम इलेक्ट्रोलाइट चालक भी है, और लास्ट में जाते जाते क्वेश्चन दिया था कि बताओ जिनका धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक में अंतर लिखने वाला, ये क्वेश्चन तीन नंबर का आगा पेपर में आगा नहीं आगा। उसके बाद ये बताया गया कि जो हमने ये नहीं पढ़ना धात्विक चालक, इसका हम काम नहीं है विद्युत अपघट्य चालक पढ़ना, और विद्युत अपघट्य चालक भी दो प्रकार का निकल गया, एक प्रबल विद्युत अपघट्य चालक हो एक दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक हो। प्रबल विद्युत अपघट्य चालक उसे कहते हैं जो जल में घोले जाने पर 100% आयनित हो जाते हैं, पूरी तरह घुल जाते हैं, वे पदार्थ जो जल में घोले जाने पर 100% आयनित हो जाते हैं, पूरी तरह घुल जाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या कहते हैं? जैसे KCl, HCl, NaCl, NaCl का नाम उदाहरण देख तुरंत समझ में आ गया तुम्हारी कैसे घुल जाते हैं, ये तो बताया गया था कल, इसके अलावा नहीं कुछ बताया गया था। ठीक, साइड में चले जाओ, साइड में बताया गया था दुर्बल विद्युत अपघट्य उदाहरण, दुर्बल विद्युत अपघट्य जो चालक हो ना उसके उदाहरण, दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक के उदाहरण बताए गए थे, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक हो ना, दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक वे जल में घोले जाने पर 100% आयनित नहीं होते, सिरका CH3COH, कार्बनिकम H2CO3, बहुत सारे पदार्थ, लिस्ट बहुत लंबा। ठीक, लिस्ट कैन नॉट बी कंप्लीट एनी टाइम, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, बहुत लंबा लिस्ट, इतने सारे पदार्थ जो जल में घोले जाने पर पूरी तरह घुल नहीं सकते, सिरके का तो उदाहरण दिया गया था, समझ में आया बात है। फिर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई थी कि हमारे यहाँ शिक्षा गुणवत्ता में कितनी कमी आया समझ में, हम किताबों को पढ़ते हैं और अमेरिका वाले प्रैक्टिकल करके देखते हैं, समझ में आया बात है। ये तो बताया गया था, इसके अलावा बताओ कुछ पढ़ाया गया आपको? लास्ट में जाते क्वेश्चन और दे देता कि बताया गया था प्रबल विद्युत अपघट्य उदाहरण, प्रबल विद्युत अपघट्य चालक के उदाहरण और दुर्बल विद्युत अपघट्य चालक के उदाहरण कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, कई पेपर में पूछे गए और कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, समझ में आया नहीं? ये तो पढ़ाया था, और बताओ कुछ पढ़ाया था? एक बार इंग्लिश में दोहराओ क्या क्या नाम थे, इंग्लिश में चैप्टर का नाम दोहरा लो क्या क्या था, अरे सबके नाम इंग्लिश में लिखवाए थे भाई, Thank you.
काश वो पल पैदा। चले मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हेडिंग आज की, नाम पता क्या है? नाम विद्युत। ध्यान से पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद तुरंत लिखाऊंगा। नहीं, पहले समझाऊंगा उसके बाद सुनूंगा फिर लिखाऊंगा, ठीक। विद्युत अपघट्य। कोई तुमसे पूछो ना विद्युत अपघट्य क्या, बता दो। वे पदार्थ जो जलमग्न हो जाने पर पूरी तरह घुल जाते हैं, जो जलमग्न हो जाने पर घुल जाते हैं उन्हें बोलते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे नमक जल में डालोगे तुरंत घुल जाएगा, विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य की चालकता, नहीं ये तो पुराना हो गया, अब हेडिंग पढ़िए। विद्युत अपघट्य की चालकता, चालकता क्या नाम चालकता, आज की हेडिंग आई है कि विद्युत अपघट्य की चालकता कैसे कहते हैं। और इंग्लिश में बताना चाहिए इसका नाम कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी स्पेलिंग साथ साथ में लिखा के चलूंगा मैं, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रो ELECTRO इलेक्ट्रोलाइट LIGHT लाइट कंडेंसर CO कंडक्टर को कंडक्ट CONDUCTOR। ये हमारी हेडिंग आज की। सवाल कि विद्युत अपघट्य की चालकता किसे कहते हैं, आज का यही सवाल है कि विद्युत अपघट्य की चालकता किसे कहते हैं। मैं तुमसे सुनने वाला हूं मैं कि विद्युत अपघट्य की चालकता क्या हो, पहले ये बताओ विद्युत अपघट्य पता लगेगा तुम्हें किसे कहते हैं। अभी तो ये पता लगाने वाला कि चालकता किसे कहते हैं, विद्युत अपघट्य की चालकता किसे कहते हैं। विद्युत अपघट्य एक पदार्थ हो जो जल को घोले जाने में घुल जाता हुआ, ठीक है, डिजोल्व हो जाता हुआ, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। कंडक्टिविटी कैसे कहते हैं, एक ही लाइन बताऊंगा याद हो जाना चाहिए। किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की वो शक्ति, वो ताकत, वो क्षमता जो जो विद्युत अपघट्य चालक के भीतर धारा प्रवाहित कर सकती हो, तो चालकता एक प्रकार की शक्ति हो, कुछ नहीं है वो। अब पता किसकी शक्ति, विद्युत अपघट्य पदार्थ या चालक की शक्ति। चालकता पता क्या हो, विद्युत अपघट्य की वो शक्ति हो जो विलयन के अंदर धारा प्रवाहित कर सकती हो। दुनिया में प्रत्येक काम को करने के लिए एनर्जी या पावर की जरूरत पड़ती है। अगर आप विद्युत अपघट्य चालक के अंदर अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने चाहते हो तो आपको किसी शक्ति की जरूरत पड़ेगी, वो शक्ति ही विद्युत अपघट्य की चालकता कहलाती है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आया, बता दोगे अभी क्या बताया मैंने। विद्युत अपघट्य चालकता कैसे कहते हैं, विद्युत अपघट्य चालकता दोबारा बताओ। कितना आसान तरीके से बताया, वो भी फॉलो अप कर दिया। अबे भाई ये बताया गया तुमको कि जो विद्युत अपघट्य की एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी विद्युत अपघट्य के अंदर धारा प्रवाहित कर सकती है, उसको विद्युत अपघट्य की चालकता कहते हैं। इतनी आसान परिभाषा नहीं बता सकते तो क्या बताओगे। नाहूर अली से इधर वाला क्या नाम है तेरा, दीपचंद खत्री, बताओ दीपचंद खत्री। बताओ क्या बताओ, बात समझ में। जैसे मेरे प्यारे छात्रों, मान लो एक एक बर्तन है, इसके अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ, और विद्युत अपघट्य पदार्थ भी कैसा, HCl वाला भरा हुआ, इसके अंदर HCl, इसमें हमने करंट डाल दिया, करंट मतलब आई, तो इस विद्युत धारा को प्रवाहित होने में यहां से लेकर यहां तक जाने में समय भी लगेगा, ठीक, और एनर्जी भी लगेगी। तो एनर्जी जो समय लगा ना भाई, तो शक्ति हो, बिना शक्ति के तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिना एनर्जी के तो वह शक्ति तो चालकता कहलाती है। किसकी चालकता, इस HCl की चालकता कहलाएगी, क्योंकि HCl तो विद्युत अपघट्य पदार्थ,
मैंने कहा विद्युत भट्टी चलाता, ये तो अच्छे लिए विद्युत भट्टे, तो विद्युत भट्टी की चालकता कराती है। विद्युत भट्टी की चालकता पता किसे कहते हैं? विद्युत भट्टी की एक ऐसी शक्ति होती है जो उस विद्युत भट्टी के अंदर धारा प्रवाहित कर सकती है, वही उसकी चालकता कहलाती है। इतनी सी बात नहीं बता जा रही, क्या करोगे? क्या बताया? विद्युत भट्टी क्या कहलाते हैं? चालकता कहते हैं। खास बात, अगर ऐसा हो जा, ऐसा हो जा कि कभी कभी पता क्या हो, इस विद्युत धारा जा रही थी, इसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? किसके मार्ग में? धारा के मार्ग में। कौन जा रही थी? धारा, धारा जा रही थी, धारा, उसके धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न होगी? रुकावट, रुकावट, रुकावट उत्पन्न होगी। और जो रुकावट उत्पन्न होगा ना, तो धारा तो ऐसे जा रही थी बेचारे, धारा जा रही थी, ऐसे जा रही थी धारा, करो इसका नाम आई है, जा रही थी, तुरंत इसके रास्ते में कांट आ गई, आ चुके। इसे बोला रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, हिंदी बोलते प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित कर रहे हैं, आर का मतलब रेसिस्टेंस। दो चीज बताइए अभी, एक तो बताइए विद्युत भट्टी चालकता किसे कहते हैं? चालकता को हम कंडक्टिविटी कहते हैं, कंडक्टिविटी। अभी मत लिखो बिल्कुल भी। प्रतिरोध पता लग गया क्या हो? जब विद्युत धारा जाने की कोशिश कर रही थी ना, उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न हुई, और वो रुकावट थी, वो बैरियर थी, वो प्रतिबाधा आई, वो रास्ते में जो ना अड़ंगा अड़ चुका, वही तो प्रतिरोध है। आया समझ? ठीक, तुम जा रहे रास्ते में, अब तक तो विद्युत धारा को फूल फूल मिल रहे थे, क्या मिल रहे थे? अब फूलों के बाद फिर कांटों वाला रास्ता मिला, वो कांटों वाला रास्ता ही तो प्रतिरोध है। समझ में? तो प्रतिरोध एक प्रकार की रुकावट हो, जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो उसे प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध न वह भौतिक राशि जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती है, प्रतिरोध न वह भौतिक राशि जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती है। किसका प्रतिरोध? किसका प्रतिरोध? विद्युत भट्टे का प्रतिरोध। किसका? किसकी धारा? विद्युत भट्टे में प्रवाहित होने वाली धारा। किसकी चालकता? विद्युत भट्टे की चालकता। सर ये चीज विद्युत भट्टे की। किसकी धारा? विद्युत भट्टे, विद्युत भट्टे में प्रवाहित होने वाली धारा। किसका प्रतिरोध? कुछ कुछ मरीज होगा तो पिछले जन्म के, ये हिला हुआ तुम्हारा बेचा, कुछ है नहीं तय घर का, पराठे बनाओ क्या? रामू काका बोलो पराठे बनाए, पता लग गया, बता दोगे? तू जो दहा जा रही थे ना ऐसा करके, क्या हो गया? रास्ते में बाधा उत्पन्न हो गई, वो बाधा ही क्या कहलाती है? रेसिस्टेंस। और ये क्या है? करंट। बेटे पढ़ लो, नहीं तो करंट ही मारो तुम्हें, मजाक नहीं कर रहा। समझ में आया बात यहां तक? दो हेडिंग तो मैं तुम्हें समझा चुका, नंबर एक विद्युत भट्टी चालक किसे कहते हैं, दूसरी हेडिंग, दूसरी हेडिंग यह कि प्रतिरोध किसे कहते हैं? विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और विद्युत प्रतिरोध किसका प्रतिरोध हो? किसकी चालकता हो? किसमें प्रभावित होने वाली धारा? सारी चीज किसकी? तो भरा क्या हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे बचो बुना तो बताओ, कोई दिक्कत है? लिखवा देना चाहिए, ठीक है लिखो, हेडिंग बनाओ विद्युत भट्टी चलो। विद्युत भट्टी की चलता हेडिंग बनाओ। लिखो विद्युत भट्टे की वह शक्ति, विद्युत भट्टे की वह शक्ति जो, विद्युत भट्टे की वह शक्ति जो विलयन के अंदर, विद्युत भट्टे की वह शक्ति जो विलयन के अंदर धारा प्रवाहित कर सकती हो, विद्युत भट्टे की वह शक्ति जो विलयन के अंदर धारा प्रवाहित कर सकती हो, विद्युत भट्टी की चालकता कहलाती है। विद्युत भट्टी की वह शक्ति जो विलयन के अंदर धारा प्रवाहित कर सकती हो, विद्युत भट्टी की चालकता कहलाती है। विद्युत भट्टी की वह शक्ति जो विलयन के अंदर धारा प्रवाहित कर सकती हो, विद्युत भट्टी की चालकता कहलाती है।
नीचे आड़ी बनाओ नोट, एन ओ टी नोट, नोट आड़ी बनाओ, नोट में लिखो विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के अंदर, विद्युत अपघट्य के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत अपघट्य के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। सुधर जाओ, मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। सुधर जाओ। लिख लिया ना, उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R, बड़े वाला R। लिख लिया ना, यहां तक बताओ। किसी छात्र या छात्रियों को कोई प्रॉब्लम हो? प्रॉब्लम? अब ये तो तुम बताओ, ये तो है, ये वाला डायग्राम भी बना लो, सोना डायग्राम, जल्दी जल्दी बनाओ डायग्राम। इतना अच्छा डायग्राम छोड़ के जा रहे पागल भाई, ध्यान लगा ले। दूसरा घट्टी करेंगे नहीं तो ये मिलती बात। सौ डेढ़ सौ ना मेरे घट्टू से मतलब कराए जाते हैं, कहता 15 रुपए सूट। ओ बेटे तुम नहा भी ले करो, नहा उस बेबू कौन कौन जो नहा तुम साथ खड़े हो पीछे तेने बेटे झूठ बोले पाप चढ़ेगा तुम भी तो झूठ बोले सोच वो नहाते नहीं तुम नहा तुम किस दिन आले में CONDUCTIVITY conductivity of इलेक्ट्रोलाइट, ELECTROLIGHT कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये तो निकल गए, विद्युत प्रतिरोध पर लगा क्या हो, धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न हो जा, रुकावट। क्या है बता दो उसका, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर पागल हो गए। ये वाला डायग्राम बना लिया, दिक्कत यहाँ नहीं है, विद्युत प्रतिरोध पर लगे रहो, प्रतिरोध एक प्रकार की रुकावट हो। अब बताओ ये लड़के पढ़ने पर पूरा जबरदस्ती का ध्यान लगा रहे, और इनके रास्ते में कोई लड़की ने नुकहरी आकर ठीक है हम तुमसे प्रेम करता है तो वह रेसिस्टेंस हुई नहीं, रेसिस्टेंस प्रतिरोध का काम कर रही है और रुकावट बन चुकी लड़की या लड़की का भी हाल है, ठीक है नहीं, समझ में आया बात क्या? तो ऐसे ऐसे रेसिस्टेंस को चलते बनो और बारहवीं पास करने दो, उसके बाद मिलना। आया समझ लो, बारहवीं तो पहले भी नहीं, पाप चढ़ने वाला, एक साल बर्बाद हो जाओ। बात समझ में क्या बताया गया? तो रेसिस्टेंस क्या हो, रेसिस्टेंस इस प्रकार की बाधा हो, बाधा क्या हो, बैरियर, वचनास्त्र। आया समझ में? तो इंस्टाग्राम मोड हो, दिक्कत क्यों नहीं है, क्यों विद्युत प्रतिरोध है ना, इसका भी सही मान ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक आए, नाम था जॉर्ज सिमंस ओम। कहने लगे बताओ कि रेसिस्टेंस का सही मान कैसे ज्ञात करा जाएगा। वैज्ञानिक ओम कूद कूद गए, रुको जी रुको, हम बताते हैं कि रेसिस्टेंस का मान कैसे ज्ञात होता।
जॉर्ज सिमंस ओम ना 1853 ईस्वी में कमाल कर दिया और फाड़कर रुमाल कर दिया। जॉर्ज सिमंस ओम नाम क्या था? जानना चाहते हो उसने क्या बताया? उसने विद्युत प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करके दिखाया? जानना चाहते हो? जानना चाहते क्या? बंद कर दो गोला। अच्छा ये बताओ, जॉर्ज सिमंस ओम ने क्या बताया? कितना सोना व्यक्ति था। देख लो, हमने कहा ये क्या, तो कहने लगा पता क्या कहने लगा, क्योंकि अरे चालक और वो विद्युत घट चालक है। चलो मान लो विद्युत अब घट्टे चालक। सुन लो, जॉर्ज सिमंस ओम ने क्या कहा? जॉर्ज सिमंस ओम, और ये दर्द पता कब हुआ इसका? 1853 ईस्वी में। कब हुआ? पूछा तुम्हारे दर्द क्यों मर रहा है? विद्युत प्रतिरोध का सही मान याद करने के लिए आया हूं। विद्युत प्रतिरोध का सही मान याद करने के लिए ओम का नियम बनाया। आधे जगह से ओम का नियम पढ़े एक तरफ हटता, क्यों बनाएगा वहां पता लगेगा कि विद्युत प्रतिरोध का सही मान याद करने के लिए ओम का नियम बनाया गया। पता लगे क्यों बनाया गया ओम का नियम? 1853 ईस्वी में दर्द हुआ, किसका दर्द हुआ? जॉर्ज सिमंस ओम का। अच्छा किसका मान देना चाह रहे हैं? प्रतिरोध का। देख लेंगे कैसे बताएंगे विद्युत प्रतिरोध का मान। कहने लगे ये क्या है? हमने कहा ये चालक है। वह कौन सा चालक है? मैंने जी कोई सा भी चालक हो, विद्युत अभघट्य चालक हो। मान लो विद्युत अभघट्य चालक, अगर विद्युत अभघट्य चालक है ना, इसके दो सिरे हो, सिरे दिख रहे सिरे, एक का नाम एस एक का नाम क्या है एन, दो सिरे नहीं है। तो विद्युत अभघट्य चालक में दो सिरों के बीच में ना एक हमेशा विभांतर हो, विभांतर वोल्टेज को ही विभांतर बोल लो। मान लो एक विद्युत अभघट्य चालक है, उसमें दोनों सिरों के बीच में जो विभांतर है उसका नाम कितना? वी। वी का नाम है विभांतर। ईपीडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभांतर। किसका विद्युत विभांतर? विद्युत अभघट्य चालक का विद्युत विभांतर। या ऐसे कह सकते चालक के सिरों के बीच का विभांतर। विभांतर ही क्या है? वोल्टेज। और वोल्टेज ही क्या है? धारा। तो ये अलग चीज नहीं है, वोल्टेज धारा अलग अलग चीज हो। तो वोल्टेज ही विभांतर हो, विभांतर ही धारा हो, तो घबराना नहीं बिल्कुल भी। जैसे जैसे धारा बढ़ती जाएगी विभांतर भी बढ़ता चला जाएगा, धारा कम कर दोगे विभांतर भी कम हो जाएगा। और विभांतर दो सिरों के बीच का हो हमेशा, और विभव एक ही बिंदु के बीच का हो। ध्यान से सुनना मैं जो बात बता रहा हूँ। मैं पूछूंगा बेटे ओम का नियम क्यों बनाया गया? गुरु जी ओम का नियम ना इसीलिए बनाया गया ताकि हम विद्युत प्रतिरोध का सही मान ज्ञात कर सकते हो। मैं पूछूंगा दोबारा, किसने बनाया? जी हमारे चाचा जॉर्ज सिमंस ओम के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? चाचा कौन बोल रहे? पूरा नाम बोलो। चाचा जॉर्ज सिमंस ओम। कब बनाया? परसों। सही पता लग गया क्या हो? विभांतर। और जो विभांतर हो, सुनते रहना ध्यान से, जो विभांतर हो, विभांतर हो, विभांतर ना ध्यान से सुनते रहना, विभांतर बढ़ता चला जाएगा। किसी भी चालक का, विद्युत अभघट्य चालक का विभांतर बढ़ता चला जाएगा अगर तुम धारा बढ़ाते चले जाओगे। इस समानुपाती हो, किसी भी विद्युत अभघट्य चालक के सिरों के बीच का जो विभांतर हो, ऐसी भाषा चाली बोल, किसी भी विद्युत अभघट्य जो चालक हो ना उसके सिरों के बीच का विभांतर हो, विद्युत अभघट्य चालक उसके सिरों के बीच का जो विभांतर वो धारा के समानुपाती हो, चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती हो, चालक में बहने वाली धारा के। तुम ना तुम धारा बढ़ाओ विभांतर खुद बढ़ जाएगा, और विभांतर ही तो वोल्टेज हो, और वोल्टेज ही तो धारा हो। धारा बढ़ाओ विभांतर बढ़ जाएगा, धारा बढ़ाओ विभांतर बढ़ जाएगा, धारा बढ़ाओ विभांतर बढ़ जाएगा, धारा घटाओ विभांतर घट जाएगा, धारा घटाओ विभांतर घट जाएगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। जो उसके साथ होगा वो इसके साथ होगा, जो उसके साथ होगा वो इसके साथ होगा, यही तो समानुपाती हो। तुम्हें क्या चाहिए? बेहतरीन नंबर। क्या चाहिए? ठीक। और यहां यहां पड़ेगी मार, मार पड़ेगी, मार बढ़ाओ बेहतरीन नंबर बढ़ जाएंगे। आया समझ रही बात है? मार कम कर दो नंबर को, नंबर फर्क पड़ जाएगा। जितना ज्यादा बजाओगे इतने ज्यादा बेहतरीन नंबर आएंगे, उससे ज्यादा बजाओगे उससे ज्यादा बेहतरीन नंबर आएंगे। कम बजाओगे हम याद नहीं करने के, कम नंबर आएंगे। और कम बजाओगे घर पर ध्यान देने के, नंबर ही नहीं आने। तो इसका मतलब मार के समानुपाती होगा बेहतरीन नंबर, इसलिए मार जरूरी है कि नहीं है? आया समझ? तुम कहते हो मार नहीं चाहिए, देख लो यहाँ मैं तो समानुपाती, जो तुम्हारे लिए सही है वही केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए भी सही हो। उसका दिमाग धारा बढ़ाओगे विभांतर बढ़ जाएगा, धारा घटाओगे विभांतर बढ़ जाएगा। आया समझ? ये तो समानुपाती हो, यही क्या हो? आया समझ?
अभी करो मरवादी क्या हो, अच्छा रिजल्ट चाहिए ना, अच्छा रिजल्ट बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तुम्हें, अच्छा रिजल्ट चाहिए, यानी क्या अच्छा रिजल्ट तुम्हें चाहिए, बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तुम्हें, तो वो ना लड़कियों से लड़कियों की दूरी के विद कर्मानुपाती हो, दूर चले जाओगे, दूर जाओगे इसे बढ़ाओगे, मतलब इसे घटाओगे ये बढ़ जाएगा, इसे घटाओगे ना तो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो विद कर्मानुपाती नहीं, आजकल के बच्चों का ऐसा रूल है, इसे दूरी को घटाओ इस पास जाएंगे इसे फर्क पड़ेगा, मैंने अगर इसे घटाओगे ना ये बढ़ जाएगा, इसे घटाओगे क्या जाएगा बढ़ जाएगा, तो ये स्वतः क्या सोचते मैं ये भी कर लूं और वो भी कर लूं, और जो दोनों पैर खजा ना तो अपने आप को बहुत बड़े वैज्ञानिक मान के चल रहे हैं, तो जो मैं इंस्टाग्राम भी चला लूंगा और व्हाट्सएप भी चला लूंगा और मैं पढ़ाई भी कर लूंगा, ऐसा होगा भी ओ तुम अनोखे पैदा हो जाएगा दुनिया में, कि तुम इंस्टाग्राम फ्री फायर भी खेल लोगे तुम तो भाई बैठ और गेम के भी पड़े ना तुम, दो चीजें कभी भी एक साथ चल सकती, अगर तुम सारा हर चीज हटा दे ना पूरा माइंड सारा का सारा एक जगह लगा दो तो फिर तुम्हारी जिंदगी का कल्याण हो सकता है, तो छोटी छोटी चीजें इतनी बड़ी चीजें नहीं है, प्रतिरोध का सही बुनियाद करने के लिए चाचा आगे चाचा कहने लगे 1853 से भाई देखो अगर किसी विद्युत घट्टे चले को तुम धारा बढ़ाओगे तो विभांतर तो बढ़ना ही बढ़ना, मैंने चाचा ये तो बात सही नहीं है तुम्हारी, मैंने सही कह दिया है धारा और बढ़ा दो विभांतर और बढ़ जाएगा, धारा घटा दो विभांतर और घट जाएगा, मैंने चाचा तो एक समानुपाती होगा, अरे हाँ हाँ समानुपाती होगा भाई विभांतर समानुपाती होगा धारा में, अच्छा ना चाचा थोड़ा आगे बढ़ो इतने में काम नहीं चलता, मैंने कहा चाचा आप तो प्रतिरोध याद करने आए थे, अरे क्या बदतमीजी खिंडा रहे यहाँ से प्रतिरोध का नाम नहीं समझ में नहीं है, चाचा को क्या काम दिया गया था सर, चाचा को चाचा कौन थे चार सेवन सौ क्या काम दिया था प्रतिरोध का सही मान याद करना, और चाचा क्या बदतमीजी खिंडा रहे हैं विभांतर धारा बढ़ो विभांतर बढ़ जाएगा, मैंने कहा प्रतिरोध का हाँ प्रतिरोध वो तो दिखाई दे रहा है, अरे भाई सबर का फल बिट्टा और रुक जाओ, मैंने कहा चलो चाचा ने जो कमाल करके दिखाया नुगरे इसे हटाओगे, मैंने कहा हाँ ये तो हटाना हो हमारे को, नुगरे कॉन्स्टेंट आओ नुगरे वो कॉन्स्टेंट ही तो प्रतिरोध, मैंने कहा बहुत तेजी निकले चाचा सुधर जाओ ये कॉन्स्टेंट ही प्रतिरोध, ये कॉन्स्टेंट ही तो प्रतिरोध, तो वी बराबर इसे सही करके ऐसा लिख सकते वी बराबर आई आर और मुझे होगा स्टेप यार, क्या सोच रहे हो वी बराबर आई आर और मुझे होगा स्टेप यार, ऐसा बदलो याद रहेगा ये तो ओम का नियम हो, कोई पूछो ओम का नियम क्या वी बराबर आई आर हम होगा उसका प्यार इस तो ओम के नियम पता लगे दिमाग में घुस गया होगा ओम का नियम, लेकिन प्रतिरोध का मान तो निकला है पता, प्रतिरोध का मान निकला है इसमें ये तो वी का मान निकला है विभांतर, मैंने कहा था बदतमीजी होगी प्रतिरोध निकला नुकार ओ भाई तेरे को गणित नहीं आता क्या यहाँ पर आर का मान निकल जा रहा तेरे को, पता चाचा ने दिमाग खराब कर दिया आर बराबर, मैंने कहा रुक जाओ चाचा रुक जाओ मेरे से इसे बटन लेकर वी बटा आई यही होगा मेरा नियम ओम का नियम यही तो हो वी बटे आई और वी बटे आई कहीं भी वी बटे आई और बराबर लिखे रहा आर और आर ही तो कॉन्स्टेंट है, ये जो किसका नियम हो ओम का, तो वी बटे आई बराबर आर और आर का मान नहीं निकल गया, और चाचा ने किसका मान निकालने को कहा था और आर का निकाल दिया, वाह चाचा कमाल करते, अब चाचा की सिर में दर्द होगा, हर कोई इंसान कोई भी काम 100% सही नहीं कर सकता, ब्रैकेट में मुझे छोड़ दो ऐसा समझ में अब चाहे चाचा का दर्द मिटाएंगे सुन में, चाचा ने जो काम दिया था गया चाचा को, अगर ये चालक है ना विद्युत भट्ट चालक अगर इसकी भौतिक अवस्था नहीं बदल रही, भौतिक अवस्था क्या हो दाब, इसके ऊपर जो दाब है सीम रहना चाहिए, ताप नहीं बदलना चाहिए इसका, दाब ताप आयतन नहीं बदलना चाहिए इसका, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था दाब ताप आयतन में कोई परिवर्तन ना हो ना तो वहां ओम का नियम लागू होगा, अगर पता लग गया इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका विभांतर भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, जब चेंज हो जाएगा ना सब चीजें तो फिर आर का मान भी चेंज हो जाएगा, तो वहां ओम का नियम फॉलो हो जाएगा, ट्रांजिस्टर में कभी भी ओम का नियम लगता ट्रांजिस्टर में जो ट्रांजिस्टर उसमें टीवी में काम करो उसमें वो भी एक प्रकार का चालू ही हो तो हर जगह ओम का नियम काम नहीं करता, फिर चाचा का दर्द हुआ चाचा को बाद में जाओ बहुत बाद में जाकर पता चला जब चाचा खाट पड़े सो रहे थे ना ओम का नियम मनाएगा समझ बात, चाचा को पता लगा वो तेरा नियम तो जब काम करेगा जब चालक की भौतिक अवस्था नहीं बदलती उसका दाब नहीं बदलना चाहिए उसका ताप नहीं बनना चाहिए उसका आयतन नहीं बनना चाहिए, इन्हें बोलो चालक की भौतिक अवस्था, तब चाचा को रिलाइज हुआ तब चाचा ने कहा सुनो मैं ओम हूं अब मैं अपना नियम तमीज तरीके से बताता हूं तुम्हें, मेरे नियम के अनुसार चाचा कहते हैं 1853 ईस्वी में चाचा मेरे नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था दाब दाब आयतन में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, मैंने कहा चाचा कमाल कर दिया ऐसे बोलते हैं सही सही बात है बात ये दी समानुपाति क्या होगा था आई हटाने तो कितना जाएगा आर दी बराबर क्या आएगा आर आएगा, ऐसा लग रहा है कहानी सुन रहे हो ऐसे तो लग रहा है कहानी सुन रहे हो मजा भी आ रहा होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री को कहानी हो रहा है ठीक, तो वी बराबर आई आर
चाचा ने याद करके दिखाया, मैंने कहा चाचा वाह क्या कमाल कर दिया, और आज तक काम कर रहा है और बहुत जगह काम कर रहा है। जब भी प्रतिरोध का नाम आ जाएगा ना, प्रतिरोध का, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ आओ या ना हो तो चाचा का नाम जरूर आना चाहिए। ऐसा चाचा का देख तो बहुत बड़ा योगदान है, चाचा ने याद करके दिखाया ना तो उनका योगदान नहीं भूलना मेरे को। ऐसा अब तुमने सोचा एक कर्तव्य बता दे, एक कर्तव्य नहीं बता देता, ऐसा मुझे ऐसा है कहीं विभांतर बढ़ाएं धारा बढ़ जाएगी, विभांतर घटाएं धारा घट जाएगी, कमी बता देता तो मेरा नाम आना चाहिए, अपना नाम जोड़ लेते हैं। जैसे का नाम क्या है, जॉर्ज सेट्टी के अनुसार सन 2022 बात समझ में आई नहीं, तो ये बदतमीजी करना नहीं, और ये बता रहा मान लो करे चले तो मैंने नहीं बताया तो अपना ही नाम जोड़ दिया, ऐसे करेगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक तो चाचा की बात को लिखवा जाना चाहिए, तो हेडी बना लो जाओ ओम का नियम। ओम का नियम ओम का नियम खाली ओम का नियम हेडी बना ली ओ एम एस ओम्स लो लो माने नियम ओम्स लो क्या लो ओम्स लो। अब लिखो उसके अंदर जो बोला जा रहा, सन 1853 ईस्वी में, सन 1853 ईस्वी में जॉर्ज सिमंस ओम ने प्रतिरोध का सही मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया। प्रतिरोध का सही मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया प्रतिरोध का सही मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं नई लाइन इसमें, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था दाब कोमा ताप तथा आयतन ब्रैकेट में भौतिक अवस्था के ब्रैकेट में लिखना, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ब्रैकेट में दाब कोमताप तथा आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, दाब कोमताप तथा आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, तब चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभांतर, तब चालक की सिरों के बीच लगने वाला विभांतर, यहां चालक लिखा ना वहां विद्युत अपघट्य चालक लिखो, तब विद्युत अपघट्य चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभांतर, तब विद्युत अपघट्य चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभांतर विद्युत अपघट्य चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। लगने वाला विभांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती आई, ये वाली लाइन लिखो, V समानुपाती आई, ये वाली लाइन लिखो, उसके बाद ये लिखो V बराबर R आई,
कौन आई आर आई, वी बराबर आर आई, आई को उधर लिख दो, इसको उधर लिख दो, वी बराबर आई आर, वी बराबर हमें हो गया प्यार, वी बराबर हमें हो गया उनके नेम से। बेटे यहां मेरे सामने तो नहीं बोलते तुम, फोन पर जाकर जाए प्रेम प्रेम चिल्लाते हो। वी बराबर आई आर, अब आर का मान लिखो, आर बराबर वी अपॉन आई, ऐसे लिखो आर बराबर वी अपॉन आई, आर बराबर वी अपॉन आई लिख दिया, आर बराबर वी अपॉन आई, फिर ऐसे लिखो वी बटा आई इज इक्वल टू आर, आर के ब्रैकेट में कांस्टेंट, वी अपॉन आई बराबर आर, आर के ब्रैकेट में लिखो कांस्टेंट, ऐसे लिख लिया ना मेरे प्यारे जाप्तो। अब लिख रही हूं मात्रक कि ओम है ना, प्रतिरोधक का मात्रक क्या हो, और तुम सब जानते हो जो प्रतिरोध है ना, आर का मात्रक ओम हो, ओम दो मात्रक हो इसके, एक तो हो ओम, क्या हो ओम, ओम का चिन्ह ऐसा हो, तुमने देखा भी होगा दसवीं क्लास में पढ़ा होगा, दूसरे नंबर पर एक हो वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति एम्पियर, क्यों हो वोल्ट प्रति एम्पियर, क्योंकि विद्युत वाहक को वोल्ट में नहीं नापते, ऐसे क्या बना एम्पियर में, तो आंसर क्या जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसके पीछे वोल्ट प्रति एम्पियर लिख दिया वो भी आर का मान होगा, जिसके पीछे ओम लिखा दिख दिया वो भी आर का मान होगा, दोनों नोट कर लो। नोट कर लिया दोनों, किस बच्चे के यहां तक कोई प्रॉब्लम भाई, अब ध्यान से सुना मेरी बात अच्छे तरीके से, थोड़ा सा मैथमेटिक्स प्रयोग कर दे, थोड़ा सा कक्षा 11 का थोड़ा सा मैथमेटिक्स प्रयोग कर दे, जब भी कक्षा 11 का नाम ना तो बेचारे रोना शुरू कर दें सब, देखो मैथमेटिक्स क्या कहता है, अभी इस पे याद है नोट कर, वाई बराबर अगर ऐसे लिखा हुआ एम एक्स, एक्स समीकरण वाई बराबर एम एक्स, मैथमेटिक्स की ओ क्या खूबी हो, y बराबर mx, केमिस्ट्री में मैथ प्रयोग हो, देखो भी प्रयोग हुआ, अगर हम कहने लगे y के x के बीच में ग्राफ बनाना, मैथमेटिक्स में प्रत्येक चीज का चित्र बनाया जा सके, अगर तुमने ऐसे लिख दिया ना x स्क्वायर प्लस के साथ बराबर 12, इसका भी चित्र हो, यही मैथमेटिक्स में खूबी हो, कुछ भी लिखो तुम गणित में, लिख दिया ना x प्लस के साथ बराबर 0, इसका भी चित्र बनाएगा, कुछ भी तुम कुछ भी बता दो गणित में उसका चित्र, कोई लिख लेना sin x, इसका भी चित्र हो, कुछ भी एक भी चीज गणित में ऐसी नहीं जिसका चित्र नहीं बनाया जा सकता, लेकिन दिक्कत पता क्या है, तुम साथ नहीं आज समझ लो, ना किसी ने सिखाया ना कोई सिखाने का मेरे अलावा, ये तो गणित की चीज है, या गणित ही क्या है चीज, चीज नहीं बोलते समीकरण बोल दो, वाई बराबर एम एक्स, जानबूझ कर बोल दू मैं पहले, वाई बराबर क्या लिखा हुआ एम एक्स, वाई बराबर मक्स एम एक्स, ही तो हम कहना कहने लगे y के x के बीच में ग्राफ बनाना, तो y के x के बीच में ग्राफ बनाना हो ना तो इस तरह तुम्हें कहीं ना कहीं पढ़ाई होगा, चाहे दसवीं पढ़ाओ चाहे बारहवीं पढ़ाओ चाहे ग्यारहवीं पढ़ाओ, वाई और यहां लिखा हुआ x, ऐसे करिए बराबर ही, तो इसमें y के मान लिखेगा इस पे x के मान लिखेगा, और जो एम ना यहाँ तो बीच में तुरंत यहाँ तक लाइन निकल के भाग गया, कक्षा ग्राम भाग गया, यही तो एम की लाइन हो, इसे मैम बोल लो यू ग्राफ बन गए, यहाँ वाई है यहाँ एक्स, वाई यहाँ लिखना और एक्स यहाँ लिखना, जो लाइन बीच में जाएगी वो किसका मान होगा एम का मान, ऐसी चीजें अगर आप ऐसे बनाना है, जैसे मैंने कहा वाई बराबर लिखा हुआ 6x, कितना बना दो उसमें भैक कूद कर ले भाई जी क्या है बात कर दिया, ले भाई ये क्या है एक्स, तो सुधर जा ये क्या है, ये एम का मान नहीं है, एम का मान कितना 6, ले बना दो अगर आप इस तरह 6, यहाँ यदि पूछे जा रहे तुम सर क्या बनाना, ध्यान तो सुना चाहते कैसे, वी बराबर ओम का नहीं मरा आया, वी बराबर आई आर हम अगस्त क्या, ये तो आया था वी बराबर हम अगस्त मंडल लेकर आओ, तुम बोलते हो जब मैंने कहा वी बराबर आई आर, तो वी बराबर आई आर बोल लो, वी बराबर आई आर तो क्या क्यों नहीं बोल रहा, वी आई बराबर क्या क्यों नहीं बोल रहा, टाइम पास कर रहे,
चुप हो जाओ। V बराबर हो वस्त अभी तो हो जाए ध्यान से तो बताओ ये वाई का काम नहीं कर रहा। इसे ऐसे तो लिख सकते हम V बराबर R I। चलो तुम क्या नहीं बोलते सर लिख लो हम क्या करोगे। ये क्या है M, ये क्या है X, ऐसे ही नहीं हल करना। अगर मुझे V के I के बीच में ग्राफ बनाना हो, विभांतर के धारा के बीच में ग्राफ बनाना हो, तो क्या मैं ऐसा ग्राफ बना सकता हूं क्या? तो जैसे थोड़ी देर पहले बताया था इस पर तुम वाई का मान लिखो ना ना बाबा वी लिख दूंगा ना इस पर वी लिख देंगे। ये वी है ये तो एक्स ओहो इसको आई लिख देंगे ओहो यहाँ क्या एम एम नहीं है अरे भाई इस पर लिख देंगे वी क्या राय के बीच में करा क्योंकि मैथमेटिक्स में खूबी हो हर सब्जेक्ट में खूबी हो बायोलॉजी में भी खूबी हो ऐसा कोई सा सब्जेक्ट है जिसमें खूबी नहीं है नहीं खूबी तुमको पहचाननी नहीं आती जिसे खूबी पहचाननी आएगी उस तो प्रेम हो जा क्या हो जा बात समझ में आ नहीं है कोई दिक्कत बहुत अच्छे हो तुम अब हेडिंग बना लो वी और आई के बीच में कराओ वी और आई के बीच में कराओ वी और आई के मध्य ग्राफ घर जाके वीडियो देखोगे इस वीडियो में हमारा बज गया आ रहा है बताऊ जो नहीं याद करने का ना यहाँ सामने बुला बुला के करो उसका चेहरा दिखा देगा कि इधर को करो और सब देखोगे हाँ अच्छी तरह हैं तो हाँ 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 बात समझ में आया। तो केमिस्ट्री क्लास को ना यहीं पे रख देते हैं आज समझ में आया क्या याद होना चाहिए सारा सारा टोटल काम फिर कॉपी में करते हो कम पढ़ो अच्छा पढ़ो सोना पढ़ो समझ में आया बात या पढ़ने का यही तरीका बार बार मल्टीपल रिवीजन करो और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है सब्जेक्ट को ना बहुत व्यवहारिक तौर पर पढ़ो ना तुम्हारे पास एक बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी की हो नहीं तो नूतन की हो नहीं तो एबीसी की हो एक बुक जरूर पढ़नी चाहिए याद रखना बुक पढ़ने से भाषा शैली का विकास हो समझ में आया बात है उसके अंदर जाकर क्वेश्चन देखने चाहिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले साल के जो पेपर है ना तुम्हारे पास मौजूद होने चाहिए कि जो कैसे क्वेश्चन आते हैं फिर बता देंगे तुम किस टाइप से ना पढ़ना जो चैप्टर पढ़ रहे तुम इस चैप्टर के क्वेश्चन कैसे कैसे आ रखे कि भाई जी देखो ये अलग अलग क्वेश्चन आया हुआ ये आपने करवाया नहीं आपको करवाना चाहिए था ये समझ में ये सब सोर्स तुम्हारे पास मौजूद होने चाहिए अगर तुम तैयारी करनी तैयारी अच्छे वाली तैयारी ब्रांडेड तैयारी एक ही साल है बस कितना साल एक साल तुम यहाँ एक साल मेरे साथ यहाँ बने हुए और तुम यहाँ अप कर जाओगे दुनिया के दूसरे बच्चों से आगे निकल जाओगे नॉलेज के मामले में तो तुम्हारे सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा ये तो हकीकत है क्योंकि तुम ना हर चीज को ना समझ को पढ़ने की आदत पड़ेगी तू जो लिखने वाली प्रकृति है ना तुम्हारे स्कूल की बोल बोल के लिखना लिखवाना वो खत्म हो जाएगी आए समझो तुम उसके आदि बन चुके थे और तुम अभी बताओ तुम्हें किस तरह हायर हैक करा जा स्कूल में एक डेढ़ साल तक वहां पढ़ते रहोगे तुम हैक कर लिया जाए तुम्हारा दिमाग वहां से फिर ना तुम उसमें संतुष्ट रहना सीख जाओ सोचो यही सही है देखकर समझ में आया बात यार लेकिन मैं तो ये कहता हूँ ये भी सही नहीं है घर जाकर बुक पढ़ो और जब तुम अपना लेवल अप करना तो बुक पढ़नी बहुत जरूरी है बिना बुक के कभी तुम आगे नहीं बढ़ सकते याद रखना जितने भी टॉपर बने हुए सबने बुक पढ़ी हो बुक में क्या पढ़े क्वेश्चन लगाते हैं न्यूमेरिकल लगाते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं जो बच्चा जितने ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करेगा उसके जाकर सब सब्जेक्ट वाइज वो उसका इतना ही ज्यादा अप्लाइड अच्छा हो जाएगा और इतना ही जल्दी कामयाब हो जाएगा। बारहवीं क्लास को बारहवीं क्लास ही ना मानेगा पढ़ो यह बात हमेशा याद रखना। इसके बाद कभी तुमको ये नहीं कहने वाला कि आज तुम किताब उठा लो और कॉपी उठा लो लास्ट क्लास होगी तुम्हारी ये समझ में आई बात है। इसके बाद तुमको कभी कोई नहीं कहने का मैं भी नहीं कहने का अगर तुम मेरे संपर्क में रहे तो फिर तुम्हें तुम्हें देखो डांटूंगा मैं तो परमानेंट तक मरूंगा जब तक तुम्हारी शादी हो जाएगी आया समझ यहाँ तो रजिस्ट्रेशन मिला आरक्षण मिला है हमारे का आया समझ वो तो लगेगा चलते फिरते लग जाएगा तुम्हारा रास्ते में सॉरी और वो मारनी है उसे प्रेम कहते हैं क्या कहते हैं मिलते हैं फिर कर
2 मिनट का ब्रेक, फिजिक्स का दोहरा लो।